हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योति राजपूत। और फर्स्ट पार्ट में आपने देखा था कि उसमें दिखा था मैं रिसेप्शन और वरमाला दिखा था, और आज मैं दिखाऊंगी आपको मतलब वेडिंग हॉल और खाना पीना डांस वगैरह दिखाऊंगी। तो अब बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और इन्जॉय कीजिए आप वीडियो को। और अब है पाव भाजी टाइम, और गोलगप्पे खाने का मन भी था पर गोलगप्पे के स्टॉल पे ना नंबर नहीं आता है। सच में बहुत भीड़ होती है, मोस्टली शादी वगैरह में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है, वेट करना पड़ता है गोलगप्पे में। गोलगप्पे के चक्कर में कभी कभी तो मन करता है छोड़ो नहीं खा रहे वे, क्योंकि नंबर ही नहीं आता है। और फिर ये है कि गोलगप्पे इतने पसंद है तो वेट करना पड़ता है। मैंने सोचा चलो इतने पाव भाजी खा लेते हैं, गोलगप्पे पे नंबर आएगा। इतने गोलगप्पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि सबका पसंदीदा खाना होता है गोलगप्पा, सबको पसंद है गोलगप्पे खाना, तो इसलिए बहुत लंबी भीड़ होती है गोलगप्पे पे। और मतलब फास्ट फूड की जो स्टॉल थी उन पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और जो मिठाई की थी उन पर इतनी भीड़ नहीं थी। सब फास्ट फूड खाने को पसंद करते हैं ना, इसलिए फास्ट फूड पर ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, इसलिए वेट करना पड़ रहा था। ये देखिए गोलगप्पे खाने की प्रैक्टिस चली हुई है, इन्होंने ये लगा रखा है कि कौन सबसे ज्यादा गोलगप्पे खाएगी। ये खाया ये खाया ये खाया ये दगा दगा आगे करो कटोरी। ये देखिए खाया, बेइज्जती ना करो हमारी। फ्रूट हुआ रे बाप, ये रे। लेके आई हूँ दही बड़े। दही बड़े मेरे फेवरेट हैं, और भूख भी लगी हुई थी क्योंकि सुबह ही खाया था खाना, फिर बीच में कुछ नहीं खाया रेडी होने के चक्कर में, काम करने के चक्कर में, क्योंकि पहले काम निपटाना था फिर रेडी होना था, इस चक्कर में कुछ खाया नहीं बीच में, बस चाय पी होगी शायद, वो पता नहीं पी गई या नहीं पी, बस इसलिए भूख लगी थी और बस खा रही हूँ मैं। क्योंकि सुबह जल्दी उठना था और उसी दिन चाक था, चाक भात का प्रोग्राम था, और उसके चक्कर में जल्दी काम निपटाया। फिर ये था कि चाक में जाना है, चाक के लिए मतलब रेडी होना, लेट नहीं होना है क्योंकि टाइमिंग सेट था चाक का, इसलिए कभी कभी लेट हो जाएं। और फिर हॉल के लिए भी रेडी होना था, वहाँ जाना था तो रेडी होने में काफ़ी टाइम लग जाता है लेडीज़ों को, और इसलिए बस इस चक्कर में खा नहीं पाए। मैंने सुबह भी कुछ नहीं खाया था इसलिए मुझे ज़्यादा भूख लगी थी, तो मैं बस खा रही हूँ। और बस काम के चक्कर में हम लेडीज़, बस लेडीज़ का ये रह जाता है मतलब खाना पीना रह ही जाता है काम के चक्कर में, अच्छे से खा पी नहीं पाते हम लोग, बस इसलिए इंजॉय कर रही हूँ। और यहाँ पर डांस चल रहा है, आप लोग डांस इंजॉय करिए।
और मैं इधर पी रही हूँ गर्मा गर्म सूप, क्योंकि ठंड के कारण मेरी नाक बिल्कुल बंद हो गई थी। ठंड पहले मतलब कोल्ड था मुझे, हैवी कोल्ड था, और ओस के कारण, ओस भी बहुत ज़्यादा थी, पानी जड़ रहा था उसमें से, तो उसके कारण भी बहुत ज़्यादा ठंड लग गई थी और गला भी दर्द करने लग गया था मेरा और नाक भी बंद हो गई थी। तो इसलिए मैंने सूप मंगाया था गरम गरम, मैं सूप पी रही हूँ। सूप पीने से मैं थोड़ा अच्छी फीलिंग आई मुझे सूप पीने से, क्योंकि गर्म था, और गर्म गर्म खाने से ना थोड़ा गला भी ठीक हो गया मेरा और थोड़ा फील भी अच्छा हो रहा था मुझे, तो इसलिए मैंने गरम गरम सूप पिया था। बहुत अच्छा लग रहा था, टेस्टी भी अच्छा था सूप का, वेजिटेबल सूप था, बहुत मस्त लग रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। थोड़ा सांस में लेने में भी मुझे अच्छा फील हुआ, इसलिए मैंने सूप मंगाया था अपना। ठंड के कारण परेशान भी हो रहे थे लोग, पर इंजॉय भी बहुत ज़्यादा कर रहे थे, बहुत मस्ती कर रहे थे, मैं भी बहुत मस्ती करता अच्छा लग रहा था, और लोग भी सब मस्ती कर रहे थे, अच्छा लग रहा था सबको, बहुत अच्छा लग रहा था सबको। और ये फ़ोटोशूट के लिए स्पेशल जगह थी, वो मतलब अच्छे से डेकोरेट कर रखा था, इसके अंदर जाके भी मतलब कोई भी पोज लेके फ़ोटो बुक करवा सकते थे हम, बाहर भी अच्छे से डेकोरेट कर रखा था तो बाहर भी फ़ोटो ले सकते थे, मतलब हर एंगल से फ़ोटो शूट करवा सकते थे, क्योंकि बहुत अच्छे से मतलब सजा रखा था इन लोगों ने, मतलब सब लोग इतने खुश थे ना, बहुत ज़्यादा खुश थे, बहुत इंजॉय कर रहे थे, खासकर लेडीज़, क्योंकि गांव में मतलब जो गांव का एरिया होता है वहां पे ऐसे हॉल वगैरह में वेडिंग नहीं करते हैं, बहुत कम करते हैं। शहरों में तो मोस्टली मतलब नॉर्मल चीज़ होती है, पर गाँव में कोई नहीं करता ये चीज़ें। गाँव में तो बस ये है कि घर के पास टेंट लगा दो, उसी में खाना पीना कर लो, जो भी कुछ करना है उसी में इंजॉय कर लो। और सूप पीने के बाद बहुत अच्छा फील हुआ था, तो फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद फिर गला दर्द करने लग गया था मेरा, तो कॉफ़ी पी रहे हैं, क्योंकि ठंड का टाइम था तो सब लोग कॉफ़ी पी रहे थे, ज़्यादा से ज़्यादा कॉफ़ी पी रहे थे, और कॉफ़ी पीने से मतलब अच्छा फील हो रहा था। और सर्दी का टाइम था, तकरीबन टाइम हुआ गया था शायद 3 या 3:30 का टाइम हो गया था, तो सब लोग चाय पी रहे थे, चाय पीने का मन कर रहा था सबका, और ज़्यादा मतलब इंजॉय कर रहा था लेडीज़ ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, क्योंकि जेंट्स वगैरह तो ये होता है कि उनकी फ्रेंड की शादी होती है, मतलब कहीं भी उनका आना जाना हो जाता है, बारात में चले जाते हैं कहीं भी, तो कोई ना कोई फंक्शन कर लेता है, तो जेंट्स से ये जेंट्स ने सब कुछ इंजॉय कर रखा होता है, पर लेडीज़ का क्या है कि वो मतलब कभी कभार बाई चांस ही जाती है ऐसे माहौल में, बहुत कम जाती है। मैं मेरे ससुराल में फ़र्स्ट टाइम गई हूँ ऐसे माहौल में, मुझे इतना टाइम हो गया इधर आए हुए, तो मैं इधर बस सिर्फ फर्स्ट टाइम गई हूँ मैं शादी में ऐसी मतलब वेडिंग हॉल में, वरना यहाँ मतलब टेंट लगा के जो मतलब कितना डेकोरेट करना है वो सब कर लेते हैं अच्छे से, और खाना पीना भी अच्छा हो जाता है, डीजे वगैरह सब कुछ मतलब हो जाता है, पर मतलब ये है कि जो वेडिंग हॉल होता है वो तो अलग ही चीज़ होती है। और मेरी ससुराल में मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है ये वेडिंग हॉल, इतने मतलब इतना अच्छा है, मतलब बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, सीरियसली बहुत इन्जॉय किया मैंने। और मैं गुड़गांव से बिलोंग करती हूँ, तो गुड़गांव में तो नॉर्मल चीज़ जाएंगे, वहाँ तो कोई टेंट वेंट नहीं लगाता, सबके मतलब वेडिंग हॉल बुक करवाए जाते हैं, सब वहीं पर होता है, तो मेरे लिए तो नॉर्मल चीज़ थी ये, मतलब मेरे पियर में तो है नॉर्मल चीज़ गुड़गांव में, और मेरे ससुराल में मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा है ये, तो मतलब सब लोग इन्जॉय कर रहे थे, और उनको मतलब जो लेडीज़ थी वो बहुत खुश थी देख के सब कुछ ये, और उनको देख के मैं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी, और मुझे ठंड लग रही थी बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने कॉफ़ी पी ली, बीच बीच में कॉफ़ी पर पी रही थी मैं, और कभी गर्म सूप पी रही थी क्योंकि नाक बिल्कुल बंद हो गई थी ठंड के कारण, बहुत ज़्यादा ठंड हो रखी थी, ओस मतलब ओस झड़ रही थी बिल्कुल, इतना सब कुछ मतलब चेयर वगैरह जो था कुछ वहाँ पर गिला हो चुका था बहुत ज़्यादा, और मतलब ठंड के कारण परेशान भी थे, पर ठंड नहीं लग रही थी क्योंकि लोग इतना